करना चाहते रहे, रहे, ताकि आर्थिक मनु तो देख सकते हैं आंटी जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी को चलो अच्छी बात है धन्यवाद किसी का घर बसाती है बहुत अच्छा काम बस सही है। दोस्तों हनीमून मना के वापस आए मन्नु और आरती अभी मेला घूम रही है। जी हाँ दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आज मन्नु और आरती दोनों मिलके मेला गई हुई थी। वहाँ पे मन्नु के कुछ फैंस जो है वो मिल गए और आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि एक लेडीज़ फैन है मन्नु का, वो किस तरह मन्नु से बातें कर रहे हैं। जी हाँ इतना ही नहीं दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि मेला देखने के लिए जब आरती और मन्नु मेला गई तो अचानक आरती के भाई शशिकांत जो है वो आरती को दिख गया और आरती अपने भाई से मिलने के लिए जोरों शोरों से भाग पड़ी। इतना ही नहीं दोस्तों जब मन्नु को ये बात पता चला तो मन्नु ने आरती अपने भाई शशिकांत से मिलने के लिए सीधा मना कर दिया। इतना ही नहीं दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब मन्नु ने आरती के अपने भाई शशिकांत से मिलने के लिए मना किया तो आरती मेले में ही खूब रोने लगी और कहने लगी कि वो मेरा छोटा भाई है और उसका कोई कसूर नहीं है। दोस्तों आप लोग जानते हो कि छोटू का जब हत्या हुआ था तब शशिकांत पे भी FIR हुआ था और शशिकांत भी जेल गया हुआ था। आप लोग को पता होगा ही कि अभी फिलहाल में ही शशिकांत जेल से बाहर आया है और जब आरती और मन्नु मेला देखने के लिए गई हुई थी तो अब शशिकांत भी मेला देख रहे थे तो अचानक एक दूसरे से मुलाकात हो गई और आरती अपने भाई शशिकांत से मिलना चाहती थी लेकिन मन्नु ने मिलने नहीं दिया। तो आप लोग क्या कहना चाहते हो आरती और अब उसके भाई शशिकांत के बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक बम्मा के लिए जान निकल रहे हैं चीज है। तो दिखी ना वो यहाँ पे हम लोग आए हैं तो बहुत मजा आ रहा है। आरती जी आपको आ रहा है? हाँ हमको भी आ रहा है। उल्टी तो बहुत करती है ये, इनको भी मजा आता है। दोस्तों आप लोग को पता होगा ही कि अभी हाल ही में आरती और मन्नु शादी कर लिए हैं और हनीमून मनाने के लिए सिलीगुड़ी गई हुई थी लेकिन वहां से एक फोटो और एक वीडियो जो आरती और मन्नु का है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो मैं आप सबको इस वीडियो में दिखाऊंगा, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो छोटू के जाने के बाद आरती के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था लेकिन इसी बीच आरती ने मन्नू के साथ शादी कर लिया और जब मन्नू के साथ आरती ने शादी किया तो उसके तुरंत दो दिन बाद ही आरती मन्नू के साथ हनीमून मनाने के लिए सिलीगुड़ी चली गई और वहां से आगे भूटान भी गई हुई थी। लेकिन इसी बीच दोस्तों आरती और मन्नू का एक वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप लोग गौर से देखिए इस वीडियो को, ये वही वीडियो है जिसमें आरती और मन्नू जो है दिखाई दे रही है और यही वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप इस वायरल वीडियो के बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों जब से आरती ने मन्नू के साथ शादी किया है तब से और चर्चित हो गई है और वो और विवाद में घिरती जा रही है और इसी बीच आरती का एक फोटो और एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से धूम मचा रहा है। तो क्या कहना चाहते हो आप आरती और मन्नू के बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देख सकते हैं एक रिंग लाए हैं, यहाँ पे रिंग है और ये झुमका है अनिकितान की झाले। हाँ झाले इसको बोल, हम तो समाज में भी हमको नहीं आते हैं, देख सकते हैं झाले करके हम देख सकते हैं कान की है और ये सब कौन सी सोना का है? है तो सोना का। और बहुत सारा चीज गिफ्ट किए हैं जो कि पिंकी दी बोल रहे हैं कि नहीं हम कैमरा में दिखाना नहीं चाहते हैं लेकिन। दोस्तों आरती से मिलने के लिए आई आरती की दीदी और आरती की दीदी ने आरती के लिए दो कान का बाली और एक सोने की अंगूठी लेकर के आरती के लिए आई है। जी हाँ दोस्तों लेकिन इसी बीच एक खबर निकल के सामने आ रही है कि आरती की जो दीदी है वो यूपी से चल के आरती से मिलने के लिए आरती के घर पे आई हुई है और आरती के लिए कान का बाले और सोने की अंगूठी लेकर के आरती के घर पे आई हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों पहले तो आरती से आरती की दीदी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, तब उमेश यादव को पता चला कि आरती के लिए आरती की दीदी सोने की बाली और अंगूठी लेके आई है, तब जाके उमेश यादव जो है आरती से मिलने के लिए आरती को दीदी को जाने दिया और आप लोग समझ सकते हैं उमेश यादव कितना लोभी है
कितना पैसा का भूखा है, वो कोई सामान लेके आते हैं उसके बावजूद ही आरती से मिलने दिया जाता है। दोस्तों मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा ही कि मीडिया वाले को आरती के यहाँ अभी जाने नहीं दिया जाता है। कोई जाता है तो उसे बोलता है कि आप थाना से परमिशन लेकर के आइए, लेकिन वहीं कोई ब्लॉगर जाता है तो उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मीडिया वाले के ऊपर आरती के जो पिता जो है वो डंडे के साथ हमला भी किया था। और आप लोग ने समझते हैं कि मीडिया वाले के चलते आज आरती इतना फेमस हुई है और आरती को सब जान रहा है, और मीडिया वाले के साथ ही आरती के पिता यानी उमेश यादव ऐसे वसूल की किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हो आप इस वीडियो के बारे में, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।